हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फेस्टिव सीजन में हम लोग जैसे खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वैसे ही किचन के लिए हम लोग बहुत कुछ खरीदते हैं। मैं इस बार मेरी किचन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए कुछ ऐसा सामान ली हूँ, लाइक ऐसे यूटेंसिल्स ली हूँ जो मुझे लगता है मेरे बहुत काम आएगा। और मैं सारे जो सामान ली हूँ वो मीशो से ही ली हूँ और बहुत चीप प्राइस में। और अभी मीशो पे तो बहुत अच्छा खासा डील भी चल रहा है। तो अगर आप लोग ये सारे प्रोडक्ट देखने के बाद सोचते हैं कि एक बार जाके चेक कर लेंगे कि आपके ज़रूरत वाले कुछ सामान मीशो पे मिल जाता है कि नहीं, तो ज़रूर कर लेना। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर देते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे वीडियोस अगर अच्छा लगे हैं तो उसको लाइक कर देना। मैं ऐसे ही होम डेकोर एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो हर हफ्ते दो करके लाती रहती हूँ। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रिज ऑर्गेनाइज़र से। ये सेटअप 6-7 में मिला है, मतलब 6 अंदर है और ये बड़ा वाला बॉक्स बाहर है। इसका क्वालिटी वाइज प्राइस बहुत ही सही लगा मुझे। ये इसको आप मल्टीपर्पस यूज़ में काम में लगा सकते हैं। लाइक आप इससे फ्रिज में सामान भी रख सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह काट के फ्रिज में डाल दीजिए, या फिर खाना वगैरह जो होता है ना, जो लेफ्ट ओवर हमारा बच जाता है, उसको भी आप ऐसे कंटेनर पर रख के फ्रिज में रख दीजिए। क्वालिटी तो अच्छा है, मुझे प्राइस भी बहुत सही लगा है। अब बारी है मेरी सेकेंड प्रोडक्ट की। ये सेट ऑफ 5 में ये हंडी वाला सेट मिला है। इसका देखिए लीड तो नहीं है, लेकिन ये मल्टीपर्पस है, मतलब आप इंडक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और गैस में तो कर ही सकते। पीछे का जो कोटिंग दिया हुआ है ये, इसके वजह से ये इंडक्शन फ्रेंडली भी है। और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई गेस्ट आपके घर पे आ जाए ना, आप इसके अंदर ही खाना साफ कर सकते हैं और दिखने में भी सुंदर लगेगा। और मतलब क्वालिटी भी इसका बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसको तो मस्ट रिकमेंड कर ही दूँगी। मेरा जो थर्ड प्रोडक्ट है ये भी स्टेनलेस स्टील का ही है। सेट ऑफ 3 पे मुझे मिला है और ये बाहर से अंदर से दोनों साइड से ही बहुत ही मतलब मजबूत है। तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी जो लोग स्टील का बर्तन यूज़ करते हैं ना, वो लोग ऐसे वाला अगर बर्तन ले लेंगे तो उसमें ये होगा आपको अलग से लीड भी नहीं ढूँढना पड़ेगा और आपका खाना भी बहुत अच्छे से रहेगा। जो लोग मेरी पुरानी व्यूवर्स हैं उनको पता ही है कि सेरामिक पॉट मुझे कितना अच्छा लगता है। तो ये भी मुझे मीशो से ही मिला है। ये जो है ना, ये सूप बोल है। अभी देखिए ठंडी की मौसम आने वाले हैं, तो फिर ये सूप बोल जो है ये बहुत काम का आएगा। इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी मेरी तरह सेरामिक लवर है तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वाला जो उसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग तो इसको कुटादान बोलते हैं। तो ये है, ये भी मैंने मीशो से लिया था और ये बहुत पुराना है। सो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी, ऐसे आप मीशो पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये बहुत हल्का है और हैंडी है एक्चुअली, तो ये मैं आप सबके साथ शेयर कर दिया। किचन में अगर ग्लास का सामान में कुछ मसाला रहे ना, तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये मुझे मिला है सेट ऑफ 4 में और इसका जो कंटेनर है ना, ये थोड़ा सा गोल टाइप का है, या क्या बोलूँ, मतलब ओल्ड स्टाइल का है। ये बहुत ही एयर टाइट है, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से ये खुल जा रहा है या फिर आपके मसाले में थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो कैपेसिटी है वो 200 ml की है। ये दिखने पर भी सुंदर है और इसका वैक्यूम भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो तो ऐसे वाले प्रोडक्ट आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए फेस्टिव सीजन में ये होता है कि घर पे बहुत सारे गेस्ट भी आता है, उन लोगों को खाना भी सर्व करना होता है। तो खाना सर्व के टाइम अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो थोड़ा सा अनकमन है, तो वो लोग भी आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि आप ये सामान कहाँ से लिया है। ये जो प्रोडक्ट है ये 8.5 cm की लंबाई पे और 5 cm की ब्रेथ पे है। इसकी 200 ml तक कैपेसिटी है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
घर में सॉस पैन की ज़रूरत तो देखिए सबको होता है। ये जो सॉस पैन है ना, ये थोड़ा सा छोटा साइज़ का है और इसका जो अंदर वाला कोटिंग है ये मुझे अच्छा लगा है। जो साइज़ है आपको 4 कप चाय के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं तो इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। प्राइस वाइज भी ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन हाँ 1 साल की यूज़ के लिए ऐसे प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना बहुत ही जायज़ होगा। तो आप ऐसे प्रोडक्ट अगर ढूँढ रहे हो तो प्लीज़ एक बार इसको भी कंसिडर कर लीजिए। छोटा मोटा काम के लिए जैसे अदरक लहसुन ऐसे वाले सामान रखने के लिए ना बहुत सारे ही छोटे छोटे टिफ़िन बॉक्स की ज़रूरत पड़ते हैं हम सबको। तो मैंने ये सेटअप 3 में लिया है और ये बिल्कुल भी BPA फ्री है। तो ये इसका लीड भी है, वो भी एंटी लीक वाला है, तो इसमें ऐसा डर नहीं है कि आपका जो भी लिक्विड सामान है वो गिर जाएगा। कम इन्वेस्टमेंट में ऐसा वाला प्रोडक्ट को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का ये वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड है स्टील के ऊपर, तो ये भी टिफ़िन बॉक्स स्टील का ही है। बाहर का जो कोटिंग है वो प्लास्टिक का है और लीड भी। इसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए इसको आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मिक्सिंग बोल, ये मैंने शायद 1 साल पहले ली थी, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, सो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन इसके अंदर जो काम है वो बहुत अच्छे से होता है। ये मतलब बहुत मल्टीपर्पज़ काम के लिए यूज़ होता है। चलिए इसका एक क्लोजर लुक दिखा देती हूँ। ऐसे वाले जो प्रोडक्ट है ना, ये घर में ज़्यादातर वो काम पे आता है कि आपको केक बनानी है या फिर आपको बैटर घोलनी है इसमें। तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की हूँ, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं केक बनाऊँगी तो तब ये यूज़ में आने ही वाला है। होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी जो आपके ज़िंदगी आपके होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरी पसंदीदा कुछ सामान आपको भी पसंद आया होगा और आपको लगा कि आपके किचन के लिए हेल्पफुल है, तो नीचे दिए हुए लिंक से आप उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होप करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये फेस्टिव सीजन का बहुत अच्छे से मज़ा ले रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।